दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया। बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात ज़रूर आती है कि सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अली हैं, और बाज़ लोगों का मानना है कि सबसे पहले इस्लाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कबूल किया है। तो आइए, क्या है पूरी हकीकत इस वीडियो में जानते हैं। बहुत से सहाबाए कराम व ताबईन इज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम फरमाते हैं कि मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इमाम शाबी फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि सबसे पहले इस्लाम लाने वाला कौन है, तो उन्होंने फरमाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सबूत में हज़रत हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो अशआर पढ़े जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तारीफ़ व तौसीफ़ में हैं, और उनमें सबसे पहले आपके इस्लाम लाने का ज़िक्र है। और इब्ने असाकिर ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है, उन्होंने फरमाया सबसे पहले मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। और इब्ने साद ने सहाबी रसूल हज़रत अबू अरवी दौसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है, उन्होंने फरमाया सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं। यहाँ तक के हज़रत मैमून बिन मेहरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब दरियाफ्त किया गया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहले मुसलमान हुए या हज़रत अली, तो उन्होंने जवाब में फरमाया कसम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहीरा राहिब ही के ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके थे, जबकि हज़रत अली पैदा भी नहीं हुए थे। और मोहम्मद बिन इसहाक फरमाते हैं कि मुझसे मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान तमीमी ने बयान किया है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब मैंने किसी को भी इस्लाम की दावत दी तो उसको तरहुद हुआ सिवाय अबू बकर के। जब मैंने उन पर इस्लाम पेश किया तो उन्होंने बग़ैर तरहुद के इस्लाम कबूल कर लिया। इमाम बहकी फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साबिकुल इस्लाम होने का सबब ये है कि आप नबूवत व रिसालत की निशानियां कबल अज़ इस्लाम ही मालूम कर चुके थे, इसलिए जब उनको इस्लाम की दावत दी गई तो उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। और बाज़ मुहद्दिसीन यूँ फरमाते हैं कि ऐलान नबूवत के कबल ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, और आपके अखलाक, आपकी आदत, आपकी पाकीज़गी और आपकी सच्चाई पर यकीन कामिल रखते थे। तो जब सरकार अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर इस्लाम पेश किया तो उन्होंने फौरन कबूल कर लिया, इसलिए कि जो शख्स ज़िंदगी के आम हालात में झूठ नहीं बोलता और ना गलत बात कहता है तो भला वो खुदाए ताला के बारे में कैसे झूठ बोल सकता है कि उसने मुझे रसूल बनाकर भेजा है। इसी बुनियाद पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक फौरन मुसलमान हो गए। इन तमाम रिवायतों से मालूम हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तमाम सहाबा में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। इसलिए बाज़ हज़रात ने यहाँ तक दावा किया है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले मुसलमान हुए, लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि सबसे पहले हज़रत अली ईमान लाए, और बाज़ लोगों का ख्याल है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। तो इन तमाम अकवाल में इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इस तरह तदबीक फरमाई है, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक, औरतों में सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा, और बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली ईमान लाए हैं। फ़िलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना और गिर्दोनवाह के तमाम साथियों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।